नमस्कार, आप देख रहे हैं सच न्यूज जागो। मैं इस समय गाजीपुर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुकी हूं। यहां पे काफ़ी पानी लगा हुआ है, बहुत ही बदबू मार रहा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूं यहां पे कि यहां पे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, और मरीजों से भी बात करेंगे। यहां पे डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे आया कि नहीं आया, इसके खिलाफ इसके क्या हुआ है, इसके लिए क्या किए हैं, चलिए हम बात करके आपको बताते हैं। कि सभागार स्वागतम लिखा गया है, हालांकि ये हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे बहुत ही पानी, बहुत ही स्थिति, यहाँ की बहुत स्थिति खराब है। पता नहीं कैसे आते जाते हैं। हाँ, पूरा एकदम इतना पानी लगा था कि पूरा अंदर तक चैम्बर तक पानी चला गया था। कैसे भी लोग कोशिश करके अंदर का पानी बाहर निकाले हैं, बट बाहर अभी बहुत पानी लगा है। यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है कि जितनी भी हॉस्पिटल की फाइलें हैं वो बाहर फेंकी गई हैं, देख लीजिए धूप में। अभी कोई अचानक से कोई बात हो जाती है तो कैसे फाइलें दी जाएंगी, क्या लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, आप देखिए। यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं और अपना काम कर रहे हैं। सारी फाइलें लगभग भीग चुकी हैं, उसी को धूप में सुखा रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, मरीजों से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। चलिए, तो मैं डॉक्टर साहब के चैम्बर में पहुँच रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। हाँ, तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर एपी सिंह, यहाँ पे आरएमओ पोस्ट पे हूँ, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में, अटैच्ड हॉस्पिटल से जो है। तो सर यहाँ पे इतना सारा पानी लगा हुआ है, बहुत सारी, मतलब इसमें इतनी बदबू आ रही है, ये बताइए कि यहाँ पे किसी तरह की कार्यवाही की गई, इसके बारे में कुछ सोचा गया? ये तो हर साल बारिश में जो है लगभग 2016 से कंटिन्यूअस चल रहा है यहाँ पे, और असली समस्या यहाँ पे यही है कि जो है पूरे एरिया का, रोजे का जो है पानी जो है यहीं पे लगता है, क्योंकि यहाँ का पानी का निकासी का जो वो है वो ड्रेनेज नहीं है। और उसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के उस पार जो है पानी नहीं, 2018 में जो है यहाँ पे एक नाला भी बनाया गया है, जो कि आप बाहर जाके देखेंगे तो ये नाला भी ले जाके रेलवे क्रॉसिंग के पास छोड़ दिया गया है। तो ये पानी जो है रेलवे क्रॉसिंग के उस पार ना जाके ये पानी यहीं पर डंप हो जाता है, चूँकि ये लो लैंड एरिया है, बहुत पुराना कॉलेज है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो है पानी जो है पूरा इकट्ठा हो जाता पूरे एरिए का। और इसके लिए जो वो है, हर साल हम लोग जो है प्रशासन, जिला प्रशासन के पास जाते हैं, हर साल जिला प्रशासन जो है वैकल्पिक व्यवस्था करता है। इस साल भी हम लोग गए, डीएम साहब को कई बार अवगत कराया गया, हमारे प्राचार्य महोदय जो है और मैं स्वयं भी साथ में जो है दोनों लोग गए वहाँ पे। काफ़ी समय दिया हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, काफ़ी समय दिया और त्वरित कार्रवाई भी की। उसके दो दिन के अंदर ही यहाँ पर जो है मोटर भी लगा, वो चालू भी रहा। उसी की देन है कि जो है थोड़ा सा कम भी हो गया है कि हम लोग यहाँ पे बैठे, नहीं तो बीच में तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम लोग जो है बाहर जो है खड़े होकर किसी तरह व्यवस्थित कर रहे थे, जो भी अपनी व्यवस्था है, बाकी आप सब देख ही रहे हैं। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यदि डॉक्टर साहब लोगों को इतना कष्ट करना पड़ेगा और बार बार अधिकारियों का दरवाजा आप कब तक जाएंगे? मान लीजिए हम मान लेते हैं अभी बाहर देखे हैं तो फाइल फेंकी हुई है, यदि इसमें कोई भी फाइल करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है या पन्ने गल जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जो भी है वो आपके सामने है, अब जिम्मेदारी क्या, हम लोग जितना सुरक्षित रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एज ए आपदा के तौर पर अगर कोई चीज़ आती है तो उसको, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अजय, ये रोजा होम्योपैथिक कॉलेज एक तरह की आपदा ही झेल रहा है लगातार 7-8 सालों से,
और जिसका कि हर साल हम लोग यही नहीं कि यहाँ जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, बल्कि हम लोग इसको जो है निदेशालय और सचिवालय तक जो है ये बात उठा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही तो सबसे ज़्यादा हम लोग सफरर हैं। इसके अलावा हमारे मरीज जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। पता चलता है कि मरीज डॉक्टर को बैठने का जगह नहीं है, डॉक्टर बैठेगी भी तो कैसे संचालित होगी, इतने सारे रजिस्टर्स होते हैं, मरीजों को दवाई देनी होती है, मरीजों को दवा कहाँ से प्रोवाइड कराया जाए, बहुत सारी वैकल्पिक मतलब कि परेशानियाँ होती है जिसको कि और मरीज भी को भी बहुत असुविधा होती है। अभी कल ही जो है यहाँ पे जो है एक बच्ची आई, उसको जो है ये जो आप देख रहे हैं हरा हरा, उसको वो कारपेट समझी और उसी में पैर रख दी, गिर गई, छोटी बच्ची थी, उसको समझ में ही नहीं आया। सर क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे, हम तो गए थे इस बार जो है जिलाधिकारी महोदय एकदम जो इस समय हैं उन्होंने इस बार आश्वासन दिया है कि किसी मतलब कि हर हाल में इस साल जो है ये पानी की व्यवस्था ये अगले साल नहीं होगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। वैसे हम लोगों ने यहाँ के यही नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ के MLC साहब को भी बात किया, यहाँ के विधायक जी से भी बात की थी, हैं सबको सूचित किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, लेकिन जो भी है अब आपके सामने है, कार्रवाई तो हुई है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। अब लेकिन इसका परमानेंट निदान चाहिए और परमानेंट निदान यही है कि ये पानी जो है जो डंप हो रहा है यहाँ पे आके रुक रहा है, ये पानी लगातार स्वतः नेचुरल रूप से जो है रेलवे क्रॉसिंग के उस पार हर बारिश में पहुँच जाए। अब इसको तो प्रशासन ही व्यवस्थित करा पाएगा, कॉलेज तो नहीं करा पाएगा। तो सर ये बताइए, कॉलेज अपने रूप में ये जो देखिए आपके सामने जो है बाहर मोटर भी लगाया हुआ है, लेकिन इस मोटर का भी कोई फायदा नहीं है, यहाँ से मोटर से चालू कराते हैं, ये नाले से पानी फिर जाता है, रेलवे क्रॉसिंग के पास से पुनः वापस चला आता है, तो इसका भी कोई वो नहीं है। तो ये बताइए कि मोटर से पानी आप निकाल रहे हैं फिर वापस जाकर यहीं पे आ रहा है, हाँ। तो ऐसा कब तक चलेगा? तो इसी के लिए DM साहब ने आश्वासन दिया है कि इस साल ये, बल्कि कल जो है हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, यहाँ से सारे रिकॉर्ड लेके उन्होंने मंगाए थे, हम लोग कल जब वहाँ पे पहुँचे तो DM साहब ने यही नहीं JE जो हैं रेलवे विभाग के JE थे प्लस यहाँ के जिला मैनेजमेंट अधिकारी थे, उन सब लोगों को बुलाया था उन्होंने और उन सभी लोगों से जो है वो किया कि जो है इसकी किसी तरह से जो है हम लोग जो है व्यवस्थित करके जो है ये समस्या हर बार ना हो। सिर्फ हम ही लोग अफेक्टेड नहीं है, आप यहाँ से कॉलेज की बाउंड्री के उस पार जाएंगे तो बस्ती है, करीब 100 लोगों का घर है, 100 लोग जो है करीब पानी में डूबे हुए हैं और वो भी पानी 5 फीट है उनके घरों में, सब लोग परेशान हैं। सर एक क्वेश्चन और होगा, हाँ जी, आपको क्या लगता है सर DM साहब ने जो आश्वासन दिया है, हाँ, क्या लगता है वो पूरे हो पाएंगे? मुझे तो लगता है क्योंकि इस बार जो है DM साहब जो है त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक पहले मोटर खराब हो जाता था तो उसको 3-4 दिन लगते थे, 5 दिन लगते थे बनने में, लेकिन आज जो है 2 दिन पहले जो है मोटर खराब हुआ था लेकिन उसके बदले में 2 दिन के अंदर नया मोटर आके फिर से लग गया और उन्होंने स्वयं ये जो कल की मीटिंग थी DM साहब ने स्वयं सूचित करके हम लोगों को उस समय पे बुलाया था। थैंक यू सर। इस संबंध में आपका क्या कहना है बताइए। हेलो, मैं डॉक्टर अनुपमा राय हूँ, मैं यहाँ पे अटैच्ड हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इंचार्ज हूँ। मैम क्या क्या परेशानियाँ हो रही है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी गंदगी है। आप देख ही रहे हैं हमारा जो हॉस्पिटल है वो पहले से ही कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा था, पूरी तरह से बन के भी तैयार था, तब तक ये बारिश का मौसम आ गया और पूरा हॉस्पिटल में सबसे पहले पानी घुसा और वहाँ से हम लोग निकल के अपने एकेडमिक वाले में आए हैं यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे भी पानी जब भर गया, जहाँ पे हम लोग इवन बैठे हैं वहाँ पे भी बहुत पानी भर गया था। अभी 2 दिन पहले आप आए होते तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। मैम मरीजों को यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हो रही है, अगर यदि मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो पानी भरने से, जैसे जो बुजुर्ग आ रहे हैं या बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको चलने में बहुत मुश्किल होती है, तो उनको वहाँ गेट पे ही रोक करके किसी तरह से देखना पड़ता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई बच्चे नहीं आ पाते इसमें, बस किसी तरह ईंटे रख रख के लोग आते हैं। यदि मान लीजिए मैम इतनी सारी पानी यहाँ पे इतना सारा भरा है, यदि आप लोगों के साथ कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके लिए हम किसको दोषी कहें और क्या कहें, मतलब हम लोग तो ये समस्या 2016 से झेल रहे हैं ना। वर्तमान सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे इस तरह के? यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा कॉलेज उपेक्षित है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
थैंक यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर ने बोला और जितने भी अधिकारी सर हैं और वो भी कार्यवाही कर रहे हैं इस मामले को लेकर। हम आपको मरीजों से बात करके बता रहे हैं कि उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। आप बताइए कि यहाँ पे आए हैं वहाँ से यहाँ तक आपको आने में मान लीजिए कि पानी लग गया है, इससे पहले आप आते हैं जाते हैं, अब तक आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? कई बार हम लोग आए वापस चले गए, पानी भरा हुआ था इसमें और जब पानी भरा जाएगा तो डॉक्टर बैठेंगे नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा हमको। तो ये बताइए कि आप इसके बारे में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? तो किसी उसको जो है ठीक कराने के लिए कहा जाएगा और क्या। बताइए कि अब तक अब नहीं हो रहा है, अब आगे हो रहा है या ऐसे ही चलता रहेगा? तो आप लोग आएंगे जाएंगे, अभी ज़्यादा से अधिकतर बारिश हो गई तो आने जाने में तो परेशानियाँ होंगी, आप लोग कैसे आएंगे जाएंगे? हालांकि मैंने सुना कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची गिर गई, तो ऐसे ही चलता रहा कब तक चलेगा? मान लीजिए सर बोले हैं कि यहाँ का पानी कम कराने का आदेश जारी कर रहे हैं लोग, हालांकि जारी है लेकिन जब तक जारी नहीं है तब तक तो जितनी परेशानियाँ हो रही हैं तो उसको कम कर रहे हैं, मोटर से पानी निकाल रहे हैं, फिर वापस आ रहा है जा रहा है, उसका कोई एकदम फाइनल काम कर रहे हैं कि हाँ ये एकदम फाइनली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए? फाइनली कोई प्रॉब्लम ऐसा हो कि मतलब कि सब ये मामला हल हो जाए, इसका सही हो जाए, ताकि सब लोगों की परेशानी दूर हो जाए और अच्छी तरह दवा लेके लोग जाए। थैंक यू सर। मैम लोग आ रही हैं, हम उनसे बात करके बता रहे हैं कि उनको क्या परेशानी है। मैम आप बताइए कि आपको वहाँ से आने में क्या परेशानियाँ होंगी? पानी लगा है तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है, इतनी बदबू आ रही है, तो आप लोगों को पानी लग जाता है तो आने जाने में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? हमें कोई परेशानी नहीं।